हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इंफोमैथ्स कोर्स एडयू। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट ऑफ वेक्टर्स। वर्कशीट मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, स्पेशली ऑफ निमसेट। आज हम निमसेट की वर्कशीट लेके आए हैं, मींस जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं सारे आपसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जो निमसेट है उसमें वैक्टर्स एक मेजर टॉपिक है। मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 to 8 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, कई बार 6-8 क्वेश्चन भी आते हैं। तो जिसको पता है कि निमसेट के पेपर के लिए उसका एक टॉपिक बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप कभी थ्योरी क्लासेस में जाओगे तो विद इन वीक चैप्टर खत्म हो जाता है, और डेली क्लास लगेगी तो विद इन वीक चैप्टर खत्म हो जाता है। पर इसके जो क्वेश्चन है वो अनलिमिटेड है। बट क्वेश्चन सिंपल है, आप देखोगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो इतने सिंपल शॉर्टकट्स होंगे, इतने सिंपल ट्रिक्स होंगे, आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट। उससे पहले जो हमारा कोर्स एडयू का जो इंफोमैथ्स का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसका प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको उसमें दी जाएंगी। कोर्स एडयू इंफोमैथ्स, वो आप चैनल सब्सक्राइब करो। जो हमारी ऐप है कोर्स एडयू, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उस पर भी कई चीज़ें आपको फ्री दी जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वैक्टर्स की वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, इफ सी इज़ अ मिडल पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज एनी पॉइंट, देन विच वन इज़ राइट। हर बच्चे को पता है, बिना पेन चलाए आप कह सकते हो कि आपके पास क्या है यहाँ पर, सी इज़ अ मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी है, और पी आपका, सी आपका मिडल पॉइंट है, और पी एनी अदर पॉइंट है, पी मींस एनी पॉइंट। तो आपको पता है कि अगर सी मिडल पॉइंट है तो वेक्टर पी सी क्या होगा, वेक्टर पी सी होगा पी ए प्लस पी बी बाय टू, है ना। पी मीन्स एनी पॉइंट, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो पी सी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी बाई टू। उसने क्या पूछा है, पी ए प्लस पी बी पूछा है। सो पी ए प्लस पी बी क्या हो गया स्टूडेंट बताओ, तो पी ए प्लस पी बी हमारे पास आ गया दिस इक्वल टू नाउ ट्वाइस ऑफ पी सी। सो सिंपल, ओके। तो आपका आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ पी सी, तो क्या आंसर है, बी चॉइस। सिंपल क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल हो गया, मिडल पॉइंट फार्मूला लगाया हमने, पी सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बाई टू। सो पी ए प्लस पी बी क्या आ गया, ट्वाइस पी सी, तो इट मीन्स कि आपका आंसर आ गया सेकेंड चॉइस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए बी सी डी आर गिवन, देन एंगल बिटवीन वैक्टर ए बी एंड वैक्टर सी डी, एंगल बिटवीन वैक्टर ए बी एंड वैक्टर सी डी। तो अगर आपको एंगल चाहिए तो फार्मूला आपको पता है कि एंगल का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी डॉट सी डी बाय मोर ए बी मोर सी डी। ये फार्मूला हर बच्चे को पता है, ओके, ये हर बच्चे को फार्मूला पता होता है। पर क्या करना होगा इसके लिए, पहले आपको वैक्टर ए बी निकालना होगा, आपको वैक्टर सी डी निकालना होगा। वैक्टर ए बी कैसे होता है आपको पता ही है, ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, और सी डी क्या होता है, ओ डी माइनस ओ सी। तो कोई भी बच्चा इसको बड़ी फास्ट काम कर सकता है। ओ बी माइनस ओ ए आपको ये दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ये आपका ओ ए हो गया, ये आपका ओ बी हो गया, ये आपका ओ सी हो गया, ये आपका ओ डी हो गया, हर बच्चे को पता है। तो ओ बी माइनस ओ ए क्या होगा, डैट माइनस डैट, तो बिना कुछ किए सीधा डैट माइनस डैट कर दो। तो टू माइनस वन, अगर मैं यहाँ सीधा करना चाहूँ, टू माइनस वन क्या हो गया, आई हो गया, और फाइव माइनस दिस वन फोर जे हो गया, और दिस और तो कुछ नहीं है इसमें, माइनस की हो गया। अब देख सकते हो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चेक करो प्लीज़, डैट माइनस डैट वन, डैट माइनस डैट फोर, वो यहाँ पर के नहीं है तो माइनस की हो गया। सिमिलरली सी डी क्या हुआ, ए सी है ए डी है, तो सी डी हो गया माइनस टू आई, सी डी क्या हो गया माइनस टू आई, और टू जे, टू जे माइनस फाइव जे, सॉरी ये हो गया इधर से माइनस टू आई और माइनस जे सिक्स जे माइनस टू के माइनस एट के एट जे होगा सॉरी माइनस एट जे एंड प्लस टू के, ये हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या आ गया, ये सी डी आ गया, ए बी आ गया, सी डी आ गया। हमें चाहिए ए बी डॉट सी डी, तो इसका डॉट निकालो, चेक करो पहले ए बी ठीक आया हमारे पास, मैं मैच कर लेता हूँ, आई प्लस फोर जे माइनस के बिल्कुल ठीक आया, माइनस टू आई बिल्कुल ठीक आया, हम सीधा कर रहे हैं बिना कुछ ए बी सी डी लिखे हुए, तो थोड़ा सा गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए यहाँ पर। तो वैक्टर ए बी निकाल लिया, वैक्टर सी डी निकाल लिया। अगर ये वाला फार्मूला लगाना है आपको तो इन दोनों का डॉट करना पड़ेगा, नीचे उनका मोड करना पड़ेगा। तो मोड क्या होगा, मोड तो बड़े सिंपली आपको पता लग गया, मोड हो गया वन स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, दिस इज अंडर 18। तो ए बी का मोड ही हो गया। सिमिलरली सी डी का मोड क्या हो गया, सी डी का मोड हो गया दिस इज 4 प्लस 64 प्लस 4 दिस इज 68 और कितना हो गया, 6 7 अंडर 72 हो गया। तो दोनों के मोड आ गए।
दो वेक्टर आ गए, दोनों के मोड आ गए, अब आपको करना क्या, इनका डॉट ऊपर निकालना है, तो ए बी डॉट ये आपका वेक्टर ए बी है, ये नीचे आपका वेक्टर सी डी है, इनका डॉट निकालो, इनका डॉट है क्या, डैट डॉट, आपको पता है डॉट क्या होता है, ए वन टू ए टू प्लस बी वन टू बी टू प्लस सी वन टू सी टू, तो डॉट यहाँ पर आ गया माइनस टू, ओके डैट डॉट डैट माइनस टू, दिस इज माइनस थर्टी टू माइनस टू माइनस थर्टी टू माइनस टू, ओके ये आपका डॉट ऊपर आ गया, नीचे मोड क्या उसका अनडॉट 18 है और वो क्या अनडॉट 72 है बस, तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया देखो यहाँ पर ऊपर आ गया 34 36 आ गया, माइनस 36 ऊपर आ गया, नीचे अनडॉट 18 है, अब इसको नीचे क्या अनडॉट 18 यहाँ से आया, इसको भी ओपन किया 2 इंटू 4 बार 4 का अंडर 2 बार निकल जाएगा, ये भी अंडर 18 हो गया, अंडर 18 18 ऊपर से कट जाएगा, तो माइनस 2 बाय ये हमारे पास आ गया माइनस 2 बाय 2, क्या आ गया ये माइनस 2 एंड दिस 18 यस माइनस 2 बाय 2 मीन्स माइनस 1 आ गया, सो कॉस थीटा इज माइनस 1, तो क्या देखा आपने कॉस थीटा इज माइनस 1, कॉस का माइनस 1 होता है, कॉस का माइनस 1 होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, तो आपका आंसर आ गया थीटा इज पाई, तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, चार पॉइंट्स दिए गए थे ए बी सी डी, आपने वेक्टर ए बी निकाला, वेक्टर सी डी निकाला, कोई भी निकाल लेगा ओ बी माइनस ओ ए ओ डी माइनस ओ सी, तो आपने ए बी सी डी निकाल लिया, उसका मोड निकाल लिया, आपने वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सिंपल है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मुश्किल होगा, सभी क्वेश्चन आपको सिंपल ही मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन के सिंपल ही आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वेक्टर ए इज दिस वेक्टर बी इज दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं सो देयर डॉट शुड बी जीरो, हर बच्चे को पता है जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं डॉट इज जीरो, सो डॉट जीरो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर जल्दी से करो 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, एक्स इंटू 3 3x हो गया, डॉट प्रोडक्ट निकालना आता ना आपको, तो एक्स इंटू 3 3x हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8 हो गया, दिस शुड बी जीरो, ओके मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से, 1x हो गया 3x हो गया और प्लस 8 हो गया जीरो, तो 4x इज 4x प्लस 8 जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, x इज माइनस 2, आंसर इज फर्स्ट चॉइस, ओके डॉट प्रोडक्ट तो हर बच्चे को आता ना, ए वन टू ए टू प्लस बी वन टू बी टू प्लस सी वन टू सी टू, वो हर बच्चे को आता है, तो मैं इसमें समझाने नहीं लगा आपको, वो मुझे पता आपको आता होगा, नाउ फोर्थ क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी देन दिस क्या है, अब आपको पता है कि मोड ए क्रॉस बी क्या होता है, मोड ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, दोनों डिवाइड हो गए तो क्या बचेगा, ओनली टैन थीटा, सो दिस इज नाउ इक्वल टू टैन थीटा, तो क्या आंसर आया, सिंपल टैन थीटा, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, सिंपल से क्वेश्चन हो रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स राइट क्लियर, दिस इज इक्वल टू टैन थीटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको पता है कि बड़ा कॉमन फार्मूला है जो हम लगाते हैं, हमें वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी, हमें मैग्नीट्यूड अल्फा अल्फा दिया हुआ, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, चार इन चारों का रिलेशनशिप क्या है, अगर हमने क्लासेस लगाई हैं तो पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, जिसने भी क्लास लगाई है उसको पता है कि इसके ऊपर हम बड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं, मोड ए प्लस बी का स्क्वेयर प्लस मोड ए माइनस बी का स्क्वेयर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू मोड ए प्लस बी का स्क्वेयर प्लस मोड ए माइनस बी का स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोड ए स्क्वेयर प्लस मोड बी स्क्वेयर, रिलेशनशिप बड़ा पुराना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका प्रूफ हम क्लासेस में बच्चों को देते हैं, तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया, ओके रिलेशनशिप अगर आपको पता है, बस अब आपसे मोड ए दिया दे रहा आपको अल्फा है, मोड बी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो उसका मोड मांग रहा है, तीन मोड दे रहा है, एक मोड मांग रहा है, सिंपल सी बात होगी, ओके इसका मोड क्या दे रहा है अल्फा, तो अल्फा स्क्वेयर हो गया, ओके ये अल्फा स्क्वेयर हो गया, इसका मोड हमें चाहिए, इसका मोड हमें चाहिए, और इसका मोड भी अगेन हमें अल्फा दे रहा है, उसका मोड भी हमें अल्फा दे रहा है, बस तो कितना हो गया हमारे पास, क्या चाहिए हमें, अब क्या रिमेनिंग पार्ट रह गया, ये हमें चाहिए, तो यहाँ से ये हो गया टू, ये फोर अल्फा स्क्वेयर हो गया, अल्फा स्क्वेयर यहाँ गया तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास आ गया थ्री अल्फा स्क्वेयर, क्या आ गया थ्री अल्फा स्क्वेयर, सो इट मीन्स मोड ए माइनस बी क्या आ गया, मोड ए माइनस बी आ गया अंडर थ्री अल्फा, सो आंसर क्या हुआ अंडर थ्री अल्फा, आंसर इज सेकेंड चॉइस, अगेन सिंपल क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन देख रहे हो सिंपल चल रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुश्किल होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो ये 2016 का क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, देख सकते हो। एक क्वेश्चन 2016 का ही गया, ये अगेन 2016 का क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन अगेन 2016 का क्वेश्चन आ गया, अगेन 2016 का क्वेश्चन आ गया। तो अबाउट मैंने बोला अगेन 2016 का क्वेश्चन आ गया, पाँच क्वेश्चन हमने देख ही लिए 2016 के। तो मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम अबाउट 8 क्वेश्चन हमारे से वेक्टर्स के पूछे जाते हैं। ओके, तो मैंने तभी बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को कभी इग्नोर ना करना। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो निम्सेट की मेन टाइप है, आपको पता ही है कि वॉल्यूम ऑफ द पैलोपिप्ट जो है वो आपकी निम्सेट की मेन टाइप है। वॉल्यूम पैलोपिप्ट बाय दिस 3 वेक्टर्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द पैलोपिप्ट होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ द पैलोपिप्ट होता है, क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ये होता है कि मोड ऑफ स्केलर टिप प्रोडक्ट, मोड ऑफ स्केलर टिप प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पैलोपिप्ट। सो यहाँ पर 3 वेक्टर्स हमारे पास है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, या यू वी डब्ल्यू बोल दो, एक ही बात है। मैंने ए बी सी बोला, उसे यू वी डब्ल्यू बोला, एक ही बात है। अल्टीमेटली है क्या? डिटरमिनेंट क्या बनेगा? डिटरमिनेंट बन जाएगी। डिटरमिनेंट में जो पहला वेक्टर होगा वो यू होगा। पहला वेक्टर यू मीन्स क्या होगा? 1, 2, 1, 2, -1। सेकेंड वैक्टर वी होगा, वो क्या होगा? -2, 0, 3। थर्ड वैक्टर डब्ल्यू होगा, 0, 7, -4। इसको फिर चेक करो एक बार, 1, 2, -1, -2, 0, 3, 0, 7, -4। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्केलर टिप प्रोडक्ट। इसका मोड मीन्स वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेफिनेटली इसका मोड करेंगे बाद में आप। तो दिस इज अ वॉल्यूम। ओके, ये हमारा वॉल्यूम है, बस ये निकालना आपको, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, टाइम वेस्ट नहीं करते हम, ये हमने यहाँ कर लिया। इसकी क्या आएगी? -23 आएगी। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू -23 आएगी, वो क्या आ जाएगी? +23। वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या होगा? +23। सो सिंपल क्वेश्चन, क्लियर, सिंपल है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं कर रहे हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स। देखो बच्चों, ये मैं क्लासेज में आपको बार बार बोलता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो क्लास में ऐसे ही बोलते हैं आपके सामने। तो आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक आपको ए दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको ए दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको बी दिया गया है। आपको एक पॉइंट ए दिया जा रहा है, एक पॉइंट आपको बी दिया जा रहा है, एक पॉइंट सी दिया जा रहा है। ओके, तो ए मीन्स आपको वैक्टर ओ ए दिया जा रहा है, आपको वैक्टर ओ बी दिया जा रहा है, आपको वैक्टर ओ सी दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि वैक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कोऑर्डिनेट दिस 3। तो यहाँ से क्या करोगे आप? यहाँ से आप वेक्टर ए बी निकाल लोगे, यहाँ से आप वेक्टर कुछ और ए सी निकाल लोगे। आप ए सी निकालो, बी सी निकालो, आपकी मर्जी है। मीन्स कि तीनों को किस तरीके से आप लिंक करोगे, तीनों को आप मीन्स एसोसिएशन बनाओगे। जैसे ए बी ए सी बना ली, आप ए बी बी सी बना सकते हो। आप मीन्स तीनों को इन्वॉल्व करोगे, ये तीनों पॉइंट्स को आपको इन्वॉल्व करना है, जैसे मर्जी इन्वॉल्व करो। मैंने क्या ले लिया? वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी ले लिया। वेक्टर ए बी क्या होता है? वेक्टर ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, और वेक्टर ए सी क्या होता है? ओ सी माइनस ओ ए। सिंपल, मैंने 3 पॉइंट्स के 2 वेक्टर बना लिए। ओके, अब क्या करना? मुझे वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन चाहिए। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा? आपको पता है कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्या होता है? वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो मुझे परपेंडिकुलर टू प्लेन चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे? परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग दिस 3 चाहिए। दिस 3 को हमने 2 वेक्टर में चेंज कर लिया, तो मुझे वेक्टर परपेंडिकुलर टू चाहिए, तो वो क्या होगा? ए बी क्रॉस ए सी होगा। क्या होगा? ए बी क्रॉस ए सी, बस इतनी सी बात करनी है। अब ए बी निकाल लो, ए सी निकाल लो, उसका क्रॉस निकाल लो। अब ए बी क्या है? ओ बी माइनस ओ ए, आपके सामने सारा डाटा दिया हुआ है। अब ओ बी माइनस ओ से ओ ए कोई भी निकाल सकता है, तो ओ बी माइनस ओ ए डैड माइनस डैड, तो क्या बना यहाँ पर? पहले वाला ये बन गया 1, 2, -1। ओ ए ओ सी माइनस ओ ए क्या बना? ये बन गया -2, -2, 2, 2, -2, 2, 2। एक बार फिर चेक करो प्लीज, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। 1, 2, -1, और ये आ गया -2, +2, 2। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो ए बी क्रॉस ए सी निकालना है, वो क्या होगा? आई जे के 1, 2, -1, -2, 2, 2। बिल्कुल ठीक जा रहा है हमारा, देखो आई जे के बिल्कुल सेम जा रहा है। तो इसको निकालोगे तो क्या आएगा? 6i+6 के आएगा, डेट्स आंसर 6i+6 के।
तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, तीन वेक्टर को पहले दो, तीन पॉइंट्स को पहले दो वेक्टर में चेंज कर लिया, तीन पॉइंट्स को पहले दो वेक्टर में चेंज किया, उसका परपेंडिकुलर क्या होता है, ए क्रॉस बी, इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी, सिंपल। ओके, किसी को ए बी क्रॉस ए सी ना करना हो, ए बी क्रॉस बी सी भी कर सकता है। आपने किसी वजह से तीनों पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना है, तीनों ए बी सी को आपने यहाँ पर इन्वॉल्व करना है। ओके, तो ये आपको बताया जाता है क्लासेज में भी, फिर से मैं बता रहा हूँ कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं वाले, तो अप टू सेवन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही, सभी सिंपल क्वेश्चन थे, सारे बड़े एवरेज क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन है, ये काफ़ी पुरानी टाइप है, कभी जे यू में पूछी जाती थी, निमसेट में पूछी जा रही है, तो कई बच्चे कहते हैं सर ये बड़ी अच्छी टाइप है, थोड़ी टफ टाइप है, टफ नहीं है, बस आपने एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लिए तो आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी, एक दो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन सेम स्टैंडर्ड टाइप बन जाएगी, स्टैंडर्ड टाइप, तो मुश्किल नहीं आएगी आपको। तो यहाँ क्या बोला गया, ए बी सी थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स, नो टू आर कोलिनियर, दे आर नॉन जीरो एंड नो टू आर कोलिनियर, वैक्टर ए प्लस टू बी इज कोलिनियर विद सी, वैक्टर बी प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विद ए, देन दैट आर इक्वल टू क्या है। सो पहली बात है दे आर नॉन जीरो, नो टू आर कोलिनियर, चलो वो हम बाद में देखेंगे, दे आर नॉन जीरो नो टू आर कोलिनियर, बड़ी अच्छी लाइन होगी, बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या बोला उसने, वैक्टर ए प्लस टू बी इज कोलिनियर विद सी, वैक्टर ए प्लस टू बी, वैक्टर ए प्लस टू बी कोलिनियर विद सी, जब दो वैक्टर कोलिनियर होते हैं तो वन वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होता है, सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दैट, लैम्डा टाइम सी, इसको क्या लिख सकते हो, दिस वेक्टर इज लैम्डा टाइम सी। सिमिलरली बी प्लस थ्री सी, बी प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विद ए, तो क्या लिख सकते हो उसको, म्यू टाइम्स ए। जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं या पैरेलल होते हैं तो क्या लिख सकते हो, वन वेक्टर लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर, तो दिस वेक्टर लैम्डा टाइम डैट, दिस वेक्टर म्यू टाइम डैट। ओके, ये तो आपको पता ही है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस टू बी प्लस सिक्स ही चाहिए, हमें ए प्लस टू बी प्लस सिक्स ही चाहिए, तो स्टूडेंट्स बताओ, बनाने की ट्राई करो, हमें चाहिए ए प्लस टू बी प्लस सिक्स ही, तो अगर मैं बनाने की ट्राई करूंगा तो इसमें अगर मैं सिक्स ही ऐड कर दूं, इसका नंबर वन बोल देता हूं, इसको नंबर टू बोल देते हैं, इसमें अगर मैं सिक्स ही ऐड कर दूं पहले वाले में अगर मैं सिक्स ही ऐड कर देता हूं, ए प्लस टू बी प्लस सिक्स ही, तो ये बन जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस सिक्स सी, मैं दोनों तरफ सिक्स सी ऐड कर दिया, सिक्स सी यहाँ भी ऐड, लेफ्ट में भी ऐड कर लिया, राइट में भी ऐड कर लिया, इसको नंबर थ्री बोल दिया, इसको नंबर थ्री बोल दिया, इसमें सिक्स सी ऐड किया, वहाँ पर सिक्स सी ऐड किया, इसको नंबर थ्री बोल दिया। यहाँ पर भी मैं वही बनाना चाहता हूँ, तो पहले हमने क्या किया, इसको पहले हमें ये बनाना है, इसको पहले टू से मल्टीप्लाई किया, टू बी प्लस सिक्स सी इक्वल टू टू म्यू ए, इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, इसको आप टू बोल दो, थ्री फोर बोल दो, आपकी मर्जी है, इसको टू क्या बोलूँ मैं, टू वन बोल दो, इसको क्या बोल दो, टू वन बोल दो, टू से आया ना, टू से निकाला, इसको टू वन बोल दो, जस्ट आपके लिए कह रहा हूँ, इसको टू वन बोल दो। अब आपको पता कि आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया, पर आपको ये बनाना है, आपको इसको ये बनाना, ये मेरा टारगेट है, मुझे ये बनाना है, तो इसमें क्या ऐड किया मैंने, इसमें ए ऐड किया, इसमें अगर ए ऐड किया तो ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी, उसमें भी ए ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, टू म्यू ए ऐड किया, यहाँ पर ए ऐड किया तो टू म्यू प्लस वन ए, आपने ए ऐड किया तो टू म्यू प्लस वन ए, इसको नंबर फोर बोल दिया, बस वो नंबर थ्री हो गया, नंबर फोर हो गया, नंबर थ्री ने आपको तंग नहीं किया था, या सीधा आपने सिक्स ही ऐड किया तो नंबर थ्री बन गया। इसके लिए पहले आपने यहाँ पहले टू से मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में ए ऐड किया, तो नंबर थ्री नंबर फोर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ये भी ए प्लस टू बी प्लस सिक्स ही है, ये भी ए प्लस टू बी प्लस सिक्स ही है, तो अगर लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट है तो राइट इज आल्सो इक्वल टू राइट, तो लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट तो इट मीन्स राइट इज इक्वल टू राइट, तो राइट इज इक्वल टू राइट का मीनिंग क्या हो गया, फ्रॉम थ्री एंड फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर क्या देखा आपने, लैम्डा प्लस सिक्स सी दिस इक्वल टू टू म्यू प्लस वन ए, लैम्डा प्लस सिक्स सी इज इक्वल टू टू म्यू प्लस वन ए, तो इट मीन्स सी इज इक्वल टू टू म्यू प्लस वन बाय लैम्डा प्लस सिक्स ए। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इससे आपको क्या इससे इम्प्लाई हो रहा है, इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है कि आपने एक वेक्टर को, वेक्टर सी को वेक्टर ए के मल्टीपल में लिख लिया, आपने वेक्टर सी को, इसको मैं के बोल देता हूँ, के, आपने वेक्टर सी को वेक्टर ए के मल्टीपल में लिख दिया, इसका मतलब आपने क्या बोला, सी एंड ए आर, आपने बोल दिया सी एंड ए आर कोलिनियर,
सी या ए या कोलिनियर, या आपने इसको ए बोल दिया, सी ओ सी जो ए का मल्टीपल बन गया, सो सी या ए या कोलिनियर। पर हमें क्या बोला गया, हमें शुरू में बोला हुआ कि नो टू वेक्टर्स आर, हमें क्या बोला गया शुरू में, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, हमें शुरू में बोला गया है नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोई दो वेक्टर इसमें से कोलिनियर नहीं है। पर अभी अगर ऐसा किया तो सी ओ ए कोलिनियर हो गए, अगर ऐसा हो गया तो सी ओ ए कोलिनियर हो गए। अब इसको आपको डिस्टर्ब करना है, ये चीज़ अगर आ गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो हमने एफर्ट्स किए गलत हो जाएंगे। आपको इनको कोलिनियर नहीं करना, इनको कोलिनियर नहीं करना, इसे कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इस कॉन्ट्राडिक्शन को आपको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ मुझे इस चीज को बिगाड़ना पड़ेगा। इसको बिगाड़ने के लिए क्या करूंगा, मैं लैम्डा को -6 कर देता हूँ, और लैम्डा को -6 कर देता हूँ, या इसको उधर ले जाकर म्यू को -0.5 कर देता हूँ। अगर आपने इसको ऐसा एक्सप्रेस किया होता, वेक्टर ए को वेक्टर सी में एक्सप्रेस किया होता, तो 2μ+1 नीचे चले जाता, जैसे लैम्डा पर 6 नीचे गया है। अगर आपने वेक्टर ए को यहाँ रखा होता, वेक्टर सी को वहाँ रखा होता, तो 2μ+1 नीचे चले जाता, फिर मैं बोलता म्यू इज इक्वल टू -0.5। तो या तो ये करो या ये करो, अगर इन दोनों को एक को भी बिगाड़ दिया तो वेक्टर सी को वेक्टर ए में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नाउ वेक्टर सी जो है और वेक्टर ए में एक्सप्रेस नहीं हुआ, वेक्टर सी जो है वेक्टर ए में एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा। अब देखो, एक्सप्रेस नहीं हुआ मींस वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दे आर नाउ नॉन कोलिनियर। उसने बोला ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर, वो नॉन कोलिनियर आ गए, तो इट मींस लैम्डा शुड बी नाउ, दिस मींस लैम्डा को क्या करना पड़ेगा आपको, दिस मींस लैम्डा शुड बी -6। आपको लैम्डा को क्या करना होगा, -6 करना होगा, या म्यू को -0.5 करना होगा। लैम्डा का -6 नहीं हुआ तो इट मीन्स वो कोलिनियर हो जाएंगे, म्यू अगर -0.5 नहीं हुआ इट मीन्स वो कोलिनियर हो जाएंगे। पर आपको नॉन कोलिनियर करना है तो लैम्डा शुड बी -6 और म्यू शुड बी -0.5। लैम्डा को -6 कर दिया, कहाँ करूँ मैं लैम्डा को माइनस सिक्स कर दिया कहाँ करूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ नंबर थ्री में पुट कर देता हूँ, पुट लैम्डा इक्वल टू -6 इन थ्री, इन थ्री मैं लैम्डा को -6 डाल देता हूँ, तो क्या बन गया मेरे पास, बोलो बच्चों क्या बन गया, ए प्लस 2b+6c नाउ इक्वल टू क्या बन गया, ए प्लस 2b+6c, लैम्डा को -6 कर दिया, ये 0 बन गया, तो 0 वेक्टर बन गया, क्या बन गया 0 वेक्टर। उसने ही पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, ए प्लस 2b+6c क्या है, सो ए प्लस 2b+6c क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लो पहले आप। क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जस्ट अगर आपने कभी टाइप की हुई है तो क्वेश्चन इजी है, और टाइप नहीं की हुई तो फिर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगेगा। बस आपने क्या करना था, आपने दो चीज़ें आपको दी गई थी, वन इज कोलिनियर विद डैड, डैड इज कोलिनियर विद डैड, तो आपने उसके बाद उसमें ए ऐड किया, उसमें क्या किया आपने, क्या ऐड किया था उसमें 6 ही ऐड किया, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ए ऐड किया, फिर राइट को राइट के इक्वल कर दिया, तो राइट को राइट के इक्वल किया तो ए ओ सी आपस में एक्सप्रेस हो गए, पर ए ओ सी आपस में एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू -6 तो नहीं होंगे, म्यू इज इक्वल टू -0.5 तो आप ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपको लैम्डा को ये करना पड़ेगा और म्यू को ये करना पड़ेगा। अगर आपने लैम्डा को क्या किया, -6 किया, तो लैम्डा को -6 मैंने नंबर 3 में डाल दिया, तो दिस नाउ इक्वल टू 0 आ गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको तो कभी मिस नहीं करना आपने, ये टाइप को कभी मिस नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, वेक्टर सी जो था, वेक्टर सी नॉट इक्वल टू के, मैंने ऐसा कुछ लिखा था यहाँ पर, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा था। तो कहने का मीनिंग ये है, ये क्वेश्चन की टाइप है, टाइप के 2-3 क्वेश्चन और भी आने वाले हैं, और बड़ी स्टैंडर्ड टाइप है, ये नहीं कि टाइप आपकी एक दो बार आई है, ये मेन टाइप है। JEE में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे और NIMCET में भी ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। ओके, तो ये तो NIMCET के क्वेश्चन आप देख ही रहे हो। ओके, डन नाउ, क्लियर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्लीज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या स्टूडेंट्स, इफ ए बी आर वैक्टर्स सच डैट मोड ए प्लस बी इज अंडर 29 एंड डैट डैट देन पॉसिबल वैल्यू दिस इक्वल टू क्या है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो सिंपल है, पर कई बच्चों के क्वेश्चन सिंपल नहीं लगता, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाता है, क्वेश्चन लेंथ देख के बच्चा डर जाता है कि इतनी बड़ी लेंथ है, पता नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। बट करने की ट्राई करो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था ये वाला, हमें मोड ए प्लस बी दिया जा रहा है, मोड ए प्लस बी क्या दिया जा रहा है, अंडर 29। तो अगर आप इसको ये आप इस चीज को नोटिस करोगे, ये वाली चीज़ ये चीज़ सेम है, 2i+3j+4k, 2i+3j+4k, उसको वेक्टर बी को उधर ले आओ,
वेक्टर बी को तो ले आऊंगे, तो वेक्टर ए इसको चलो नाम देना, नाम दे दो, नहीं तो उसको ऐसा लिख लो 2i प्लस 3j प्लस 4k। उसको इधर ले आए तो क्या बन गया स्टूडेंट्स बताओ? पहले मैं सिंपल वे से ले आता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करता, इसको मैं सीधा बोल देता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस बी, दिस इक्वल टू क्या 0। इसको इधर ले आया, दिस 0। अब इसको अगर हमें ये बनाना है, ए प्लस बी बनाना है, इसको मैं अगर क्रॉस को बी को उधर ले जाऊं, इसको उधर ले जाऊं, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है? 2i प्लस 3j प्लस 4k, मैं इसको इधर ले आया तो प्लस बी क्रॉस ये आ गया। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं? ये आ गया, कुछ नहीं किया मैंने। ए क्रॉस बी क्या होता है? माइनस और बी क्रॉस है। ए क्रॉस बी क्या होता है? माइनस और बी क्रॉस है। इसको इधर ले आया तो माइनस आपका प्लस हो गया। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो गया कि ये वेक्टर तो कॉमन था, 2i प्लस 3j प्लस 4k तो कॉमन था, ये क्या बन गया? a प्लस बी बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका क्या बन गया? a प्लस बी। ओके, ये आपका a प्लस बी क्रॉस दैट 0। तो इसका मतलब क्या देखा आपने? इसका मतलब देख लिया कि जब क्रॉस 0 होता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वेक्टर a प्लस बी जो हो गया दैट्स नाउ पैरेलल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वो इसके पैरेलल आ गया। जब क्रॉस जीरो होता है मींस दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब ये पैरेलल आ गया तो इसका मतलब कि वेक्टर ए प्लस बी क्या हुआ? वेक्टर ए प्लस बी होगा लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये आपका वेक्टर बन गया, वो इसके पैरेलल हो गया, तो दिस इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दैट। अब आपको ये पता लग गया कि वेक्टर जो है लैम्डा टाइम्स दैट है, पर हमें इसका मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड है क्या एक्चुअल? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? लैम्डा स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब अंडूड करूं कि ना करूं, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, इसका स्क्वायर कर दिया तो आपको सीधा ही मिल गया, पर हमें क्या दिया जा रहा है? इसका अंडूड, इसका मोड क्या दिया जा रहा है? अंडूड 29, तो अंडूड 29 का स्क्वायर ये बन गया। ओके स्टूडेंट, समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या किया, इसका मोड ले लिया, लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, डैट मोड स्क्वायर 29 हो गया। ओके, तो ये यहाँ से क्या फ़ायदा होगा? हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना बना? 29 बन गया है, अच्छी बात होगी, 29 लैम्डा स्क्वायर हो गया इक्वल 29, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो आपको वेक्टर ए प्लस बी अब पूरा मिल गया, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, तो वेक्टर पूरा कंप्लीट मिल गया। आपको चाहिए क्या? आपको डॉट निकालना, आपको ए प्लस बी मिल गया, इट मींस इसका मतलब आपको क्या मिल गया? वेक्टर ए प्लस बी मिल गया। वेक्टर ए प्लस बी क्या हो गया? प्लस माइनस। वेक्टर ए प्लस बी क्या हो गया? प्लस माइनस दिस 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये आपका आ गया वेक्टर ए प्लस बी। अब आपने इसका डॉट निकालना उसके साथ, तो डॉट निकालना वैसे इजी होता है, अब इसका डॉट इसके साथ निकाल सकते हो आप। डॉट क्या होता है आपको पता ही है, तो इसका डॉट निकालना, दिस मींस क्या चाहिए आपको? आपको ए प्लस बी का डॉट चाहिए। किसके साथ डॉट चाहिए? डॉट चाहिए आपको माइनस सेवन आई माइनस सेवन टू थ्री, आपको इसके साथ डॉट चाहिए, तो डॉट निकाल लो। तो इसका डॉट क्या होगा बोलो स्टूडेंट? इसका इसके साथ डॉट क्या होगा? प्लस माइनस 2 × −7 − 14, 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12। ओके, ये देख सकते हो आप, थोड़ा स्पेस में बस कम रह गया, तो हम दोनों का डॉट निकाल रहे हैं, ये प्लस बी है, ये −7 = 2 = 3 है, −14 + 6 + 12, तो कितना होगा? 18, 4 प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 देख लो चॉइसेस में क्या है, प्लस माइनस 4, तो सी चॉइस 4 है, तो डेट्स आंसर। सी चॉइस क्या 4 आ गई, तो वही आपका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ी पेशेंस का क्वेश्चन था। पहले आपका मेन स्टेप क्या था? इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो आपने इसको कॉमन ले लिया, ये आपका ए प्लस बी आ गया, सो ए प्लस बी क्रॉस डैट 0, तो वेक्टर ए प्लस बी उसके पैरेलल हो गया, तो डैट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डैट हो गया। तो उससे बाद में आपने मोड से आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दिया, तो वेक्टर आ गया, उसका डॉट निकाल लिया। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, मैं नहीं कहूँगा टफ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन समझाने में टाइम जरूर ले रहा हूँ, पर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा ना, क्वेश्चन नंबर 10 तो है ही कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 तो सिंपलेस्ट में से ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डीसीज निकालो। तो डीसीज क्या होते हैं पता ही आपको? डीसीज क्या होते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और वेक्टर हमारे पास क्या है?
वेक्टर ये है माइनस टू वाई प्लस जे माइनस फाइव के, तो इसके डीसीज चाहिए आपको डीसीज, तो आपको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो उसके डीसीज आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या वेक्टर का, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास है 4 प्लस 1 5 25 कितना हुआ 4 5 20 अंडर 30, तो मैग्नीट्यूड क्या अंडर 30, ये मैग्नीट्यूड है अंडर 30, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया माइनस 2 बाय अंडर 30, 1 बाय अंडर 30 और माइनस 5 बाय अंडर 30, दिस इज आंसर। ओके ये हमारे पास आ गया, तो माइनस 2 बाय अंडर 30 तो क्या आंसर, आंसर आ गया डी चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट हुआ, डीसीज निकालना बड़ा सिंपल होता है, डिवाइड बाय वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ओके सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बी सी अ वेक्टर सच दैट द सम इज जीरो, ये बड़ी कॉमन टाइप है, ये तो इतनी कॉमन टाइप हो चुकी है, हर बुक में हर जगह पे आपको मिल जाएगी, हमारे नोट्स में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी आपको। ए बी सी अ वेक्टर सच दैट 3 का सम जीरो दिया जा रहा है, मोड ए दिया जा रहा है, मोड बी मोड सी दिया जा रहा है, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी चाहिए, बड़ी अच्छी टाइप है, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी चाहिए आपको, तो जिसने एक बार कर लिया उसको टाइप याद हो जाती है, कभी किसी ने कभी किया होगा तो उसको टाइप याद हो जाएगी। ओके तो एंगल बिटवीन आपको पहले दिया गया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल जीरो, आपको एंगल बिटवीन बी एंड सी चाहिए, तो बी और सी को एक साइड पे रखो और ए को उधर ले जाओ। ओके ए को उधर ले गए माइनस ए हो गया, जिसके बीच का एंगल चाहिए उसको एक साइड पे रखो, बाकी वहाँ ले जाओ, इसका मोड करो स्क्वेयरिंग करो, इसका मोड करो स्क्वेयरिंग करो, तो हमारे पास ये आ गया, मोड किया स्क्वेयरिंग किया ये आ गया। अब इसका मोड क्या होता है, अभी मोड बी स्क्वेयर प्लस मोड सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस मोड बी इंटू मोड सी, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल थीटा, तो क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू मोड ए स्क्वेयर, बस आपको समझ आ गया होगा। अब सब कुछ आपको दिया जा रहा है, मोड ए मोड बी मोड सी दिया जा रहा है, उसको पुट कर दो तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके यहाँ देख सकते हो सारी वैल्यू दी जा रही है, तो मोड बी क्या है 5 है, 5 का स्क्वेयर हो गया, मोड सी क्या 3 है, 3 का स्क्वेयर हो गया, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 हो गया, कॉस थीटा साथ में आ गया इक्वल टू मोड ए, मोड ए क्या दिया 7 दिया जा रहा है, 7 का स्क्वेयर हो गया, सिंपल। तो अब तो मेरी जरूरत नहीं आपको, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, कॉस थीटा 1/2 आ गया तो एंगल क्या आ गया, एंगल आ गया हमारे पास 5/3, सो सिंपल क्वेश्चन 60 डिग्री। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बड़े सिंपल आ रहे हैं, एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। वेक्टर्स के बच्चे डर जाते हैं कि वेक्टर मुश्किल चैप्टर है, इसके क्वेश्चन मुश्किल आते हैं। अब मैं देखो 11 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, इवन एक ही साल के मैंने कई क्वेश्चन कर लिए, आप देखो 2016 के मैंने 5 क्वेश्चंस किए, 5 के 5 क्वेश्चन सिंपल थे, फ्री के क्वेश्चन थे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। 2017 का एक क्वेश्चन हो गया, 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 का मे बी थर्ड क्वेश्चन, 2017 का मे बी, अभी 3 क्वेश्चन आएंगे, आगे बाकी कुछ और क्वेश्चन भी होंगे। तो मैंने बोला कि ये चैप्टर एक ईजी चैप्टर है, वो मैक्सिमम बच्चों को ये पता है कि चैप्टर कहाँ से आता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका अभी मैंने टॉपिक बताया कि स्केलर डिपोबेट के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, वॉल्यूम वगैरह एरिया वगैरह मोमेंट ऑफ कपल वगैरह, तो बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हमें पता है कि यहीं से वेक्टर आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो डरने की जरूरत क्या है, ये चैप्टर तो आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर आप पूरी 2D करते हो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो मोर देन 1 मंथ लेती है, उसमें से 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं, ये वेक्टर जो है एक वीक में खत्म हो जाता है, यहाँ पे 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना इस चैप्टर को अच्छे तरीके से किया जाए। ये चैप्टर बड़ा सिंपल चैप्टर है। ओके बच्चों आप देख रहे हो अभी तक कोई मुश्किल नहीं आ रही मुझे। ओके और मैं ये भी नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन पहले लेके आऊँ, मुश्किल बाद में लेके आऊँ, मैं ईयर वाइज क्वेश्चन लेके आऊँ, 2016 में क्या आए थे, 2017 में क्या आए थे, 2018 में क्या आए थे, देख सकते हो 2018 का क्वेश्चन इसके बाद आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं अभी पहले सिंपल करवा रहा हूँ बाद में टफ कराऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर 14 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 13 ही मैंने अभी तक कराया, ये 12th हो गया था, 13 रह गया था, 13 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 तो हर जगह पे है, बड़ी पुराना क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट और इतना कॉमन क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बोलूँ, हर बच्चे को आता होगा। तो क्या बोला गया, ए प्लस, स्टार्ट इसका वही है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वो ये बड़ा सिंपल सा है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा, तो ये आपको पता है कि इसका मोड का स्क्वेयर कर देंगे, इसका मोड का स्क्वेयर करेंगे, वो क्या होता है मोड ए स्क्वेयर प्लस मोड बी स्क्वेयर, मोड ए स्क्वेयर मोड बी स्क्वेयर मोड सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बस अब मेरी कोई जरूरत तो आपको नहीं है क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ है इसने। ये आपका जीरो है तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा। मोड ए कितना, मोड ए आपको दिया गया 2, 3, 5, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, बाकी जो है वो क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, ट्वाइस ऑफ दिस क्वेश्चन है, इसको एक्स मान सकते हो शुरू में, लेट दिस बी एक्स, इसको मैंने एक्स बोल दिया, मीन्स टाइम नहीं वेस्ट होगा, इसको मैंने एक्स बोल दिया। तो बस अब आपका आंसर रेडी हो गया, ये 9 + 4 = 13, 13 + 25 = 38 हो गया, डिवाइड बाई 2 -19 हो गया, मैं गलत नहीं हूँ तो -19 आंसर आ गया, यस -19 आपका आंसर है। तो सो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ मैं, कुछ भी मैं ज़्यादा बड़े बड़े शॉर्टकट नहीं लगा रहा, बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बेसिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन आपके हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नीमसेट 2017 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, ये क्वेश्चन भी सिंपल ही होगा, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। वेक्टर ए दिया हो, वेक्टर बी दिया हो, एंगल बिटवीन ए प्लस बी है, माइनस बी चाहिए, बताओ क्या चाहिए आपको? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कहते हैं वेक्टर मुश्किल चैप्टर है, तो इनके बीच का एंगल चाहिए तो क्या एंगल होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, हमें सबको दिया जा रहा है, ए ओ बी दिया जा रहा है, कुछ नहीं करना, मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। नीचे क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? ए प्लस बी मोर ए माइनस बी, बस आपको ए प्लस बी ए माइनस बी निकालना है। ए प्लस बी यहाँ है क्या? बड़ी सेकंड में निकालोगे आप, बड़ी सेकंड में निकालोगे, कई किसी भी बच्चे को पता है, दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4 और 2 - 1, 2 + 1 - 3 + 2 - 1, माइनस वन, ये आपका आ गया ए प्लस बी, ये 4 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये माइनस नहीं, सो एक मिनट मुझे देख लो प्लीज़, 4 आ गया, 1 आ गया और माइनस 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। ए माइनस बी क्या हुआ? ए माइनस बी हुआ माइनस 2 आ गया, और प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 और माइनस 5, देखो गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, गलती बच्चों वाली गलती यहाँ पर होती है कई बार, तो ये मैं देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल ठीक है, गलती नहीं है। तो इनका डॉट, बस इनका डॉट निकालो, डिवाइड बाय मोड कर दो, तो आपके सामने सेकंड में आंसर रेडी हो जाएगा। इनका डॉट क्या है? अगर मैं इनको एक्स वाई मान लूँ, इसको एक्स मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, एक्स वाई मैं इसलिए मान लूँगी आपको टाइम वेस्ट ना लिखने में, इसलिए एक्स वाई मानते हैं। ये हो गया माइनस 8 हो गया, ये प्लस 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, ये जीरो आ गया, जब ऊपर ये डॉट ही जीरो आ गया, फिर एंगल बिटवीन देम क्या होगा? 90 डिग्री। जब डॉट ही जीरो आ जाए तो एंगल बिटवीन देम, ये आपका डॉट जीरो आ गया, तो एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। सो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके, सारे एवरेज क्वेश्चन जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा सिंपल क्वेश्चन जा रहे हैं, एवरेज नहीं जा रहे, सिंपल जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हमने क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, इनफैक्ट कई क्वेश्चन सेम ही किए हुए हैं, तो अगर आपने क्लासेस लगाई हैं तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल लगेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का आया जो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू आ सकता है बच्चों को, पर ये बता दूं कि इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया कि बच्चों को इसका आंसर याद होता है। इसका आंसर है बी चॉइस, याद ही होता है आंसर, पर एक बार मैं करवा देता हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है आपको करवाना। ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, मोड ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस मोड बी माइनस सी का स्क्वायर, मोड ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस मोड बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस मोड सी माइनस ए का स्क्वायर, डज नॉट एक्सीड पूछा है। डज नॉट एक्सीड मीन्स दिस, क्या बोलूँ मैं इसको, डज नॉट एक्सीड क्या हो गया, इसकी मिनी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर देखा जाए तो ये आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, डज नॉट एक्सीड मीन्स हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे हम? तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसकी क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमें लेस इक्वल टू समथिंग चाहिए। तो स्टार्ट तो आपको पता ही है, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स का मीनिंग क्या? मोड ए मोड बी, मोड ए मोड बी मोड सी का क्या है? यूनिट वेक्टर मीन्स 1 हो गया ये। ओके, बस और कुछ नहीं गिवन, बस इतना गिवन हमें, तो इसको ओपन करोगे तो मोड ए स्क्वायर पर मोड बी स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर पर मोड सी स्क्वायर, अगर इसको थोड़ा सा अगर आपको पहले को भी मैथ किया हुआ है तो मोड ए स्क्वायर पर मोड ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा? इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कहीं रफ वर्क करने की जरूरत नहीं, मोड ए स्क्वायर पर मोड बी स्क्वायर क्या होता है? माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, मोड बी स्क्वायर पर मोड बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी डॉट सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा मोड ए स्क्वायर, दो बार आएगा मोड ए स्क्वायर, दो बार आएगा मोड बी स्क्वायर, दो बार आएगा मोड सी स्क्वायर, दो बार आएगा मोड सी स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी
प्लस सी जोड़ ए, ये हमारे पास आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमारे पास आएगी जो बड़ी कॉमन चीज़ है, बच्चों को पता होती है। तो यहाँ पर मोड ए मोड बी मोड सी में वैल्यू पता है, और ए सॉरी ए डॉट बी था ये। इनफैक्ट यहाँ पर भी स्टेप हमने एग्जिस्ट कर दिया, इसको ना बस लिखने में कई बार होता है। ओके तो ये इसको भी ओपन कर सकते थे, मैंने बोला हमने एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिया, इसको मोड ए मोड बी कॉस थीटा बोल दो, मोड बी मोड सी साइन थीटा कॉस थीटा बोल दो, इसको मोड सी मोड ए कॉस थीटा बोल दो। तो टाइम देखो आपको बचा है, तो ए बी सी यूनिट वेक्टर है, देखो मैं टाइम थोड़ा वेस्ट कर रहा हूँ। ये आपका वन स्क्वायर वन हो गया, ए बी वन स्क्वायर वन हो गया, अभी वन स्क्वायर वन हो गया, ये आपका इसको भी थोड़ा ओपन कर दो, मोड ए मोड बी ये हो गया, मोड ए मोड बी। देखो यहाँ जब मैं क्लासरूम में समझा रहा होता हूँ मुझे हर चीज़ लिखनी पड़ती है, तो वहाँ टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। कॉस थीटा वन, दूसरे वाला क्या आ गया, मोड मोड बी इंटू मोड सी कॉस थीटा टू, तो तीसरे वाला क्या आ गया, मोड ए इंटू मोड सी कॉस थीटा थ्री। तो मोड ए मोड बी सभी के वन वन है, तो ये अगेन हो गया ट्वाइस ऑफ ए थ्री क्या, ए सिक्स हो गया, ये आ गया माइनस ट्वाइस, मोड ए वन मोड बी वन है, तो सिर्फ क्या बच गया, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री बच गया, क्योंकि सभी मोड वन है, तो ये बच गया आपके पास। तो यहाँ पर कई बार बच्चे थोड़ी जल्दी करते हैं, यहाँ पर बच्चे कई बार जल्दी करते हैं, वो क्या करते हैं, कोस लाई बिटवीन माइनस वन टू वन, कोस लाई बिटवीन माइनस वन टू वन, वो यहाँ पर वैल्यू माइनस वन डाल देते हैं सभी की, क्योंकि कोस की मिनिमम वैल्यू डाल देंगे तो जब मिनिमम डालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। वो यहाँ पर माइनस वन माइनस वन माइनस वन डाल देते हैं, तो प्लस सिक्स आ गया, ट्वेल्व आ गया, ट्वेल्व है कुछ चॉइस में, ट्वेल्व अच्छी वाला चॉइस में नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉस की मिनी वैल्यू माइनस वन डाल देंगे, माइनस वन डाल देंगे, माइनस वन डाल देंगे, ये माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, तो ट्वेल्व इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। अगर हमें ये पता है कि इसकी ट्वेल्व मैक्सिमम वैल्यू है और उससे भी कोई छोटी वैल्यू मिल जाए तो वो बेटर आंसर होगा। अगर मेरी एज मैक्सिमम हंड्रेड ईयर्स है, मुझे भी पता है कि मेरी एज मैक्सिमम हंड्रेड ईयर्स है, पर अगर मेरी एज सेवेंटी ईयर्स हो या 80 ईयर्स हो, वो मेरा परफेक्ट आंसर होगा। कहने का मीनिंग हम कहते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 है, पर 12 से हमें कोई इधर का आंसर मिल जाए वो बेटर आंसर होगा। हमें चाहिए कि इधर का कोई और बेटर आंसर मिल जाए हमें। 12 तो मुझे पता है, यहाँ माइनस वन डालोंगे माइनस वन डालोंगे माइनस वन डालोंगे तो 12 आ जाएगा, बट वो कई बच्चे वहाँ कहते हैं, बट अच्छी बात यह है कि चॉइस में नॉन रीज भी नहीं है, चॉइस में नॉन रीज होता तो कई बच्चे 12 लिख के आ जाते हैं। चलो ये मुझे अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये कॉस प्लस कॉस प्लस कॉस निकालनी है, वो कैसे निकालूंगा मैं, उसके लिए फिर मुझे वापस सोचना पड़ेगा। मुझे पता है आज, मुझे क्या पता है कि ये जो होता है दिस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बड़ी चीज़ बड़ी कॉमन चीज़ है, मोड का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है, ये तो रेडीमेड चीज़ है हमारे पास। तो ये क्या, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी को फिर मैं वैसे ही खोल दूंगा ऐसे यहाँ खोला हुआ, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, देखो लिखने में टाइम वेस्ट होता है ना, इसमें बस टाइम वेस्ट लिखने, कॉस थीटा वन प्लस मोड बी मोड सी कॉस थीटा टू प्लस मोड ए मोड सी कॉस थीटा थ्री, तो ऐसे आ गया हमारे पास। ओके अब सभी मोड को आपने इसको वन 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 डाल दिया, अब आपके पास क्या हो गया, वन प्लस वन प्लस वन, और ये ट्वाइस ऑफ कॉस प्लस क्या आ गया स्टूडेंट, देखो वन प्लस वन प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री, थोड़ा स्पेस कम रह गया मेरे पास, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो। इसकी वैल्यू को वन डाल दिया, वन 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 ट्वाइस ऑफ मोड ए मोड वन वन वन, ये ऐसा आ गया। तो यहाँ से मुझे मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट है कॉस प्लस कॉस प्लस कॉस चाहिए मुझे, थ्री उधर जाएगा, तो ये वैसे भी ना रेडीमेड रिजल्ट है जो अभी शायद आपको पता भी होगा, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री, यहाँ से क्या आ गया, थ्री उधर गया टू नीचे गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू आ गया। ये बच्चों को याद भी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको याद है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू तो आपके टाइम बच जाएगा। अगर आपको याद है कि दिस, अगर ये आपके पास तीन वैक्टर हों और तीन वैक्टर हो तो ये जो होता है कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, तो आपका इतना टाइम बच जाएगा। ओके तो चलो ठीक है, मुझे अब इसकी मुझे इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी मुझे मिनी वैल्यू पता लगी, इस तीनों के सम की मुझे मिनी वैल्यू पता लगी, या मिनी वैल्यू जब माइनस करूंगा, ये माइनस है, जब मिनी वैल्यू माइनस करूंगा तो क्या आएगी, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, या मैं मिनी वैल्यू पुट करने वाला हूँ, या मिनी वैल्यू मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस करने वाला हूँ। जब मिनी वैल्यू माइनस करते हैं तो क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो यहाँ पर मैं
क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसकी जगह पे माइनस 3/2 डालने वाला हूँ, डाल दिया तो क्या रह गया मेरे पास, अब वैल्यू रहेगी 9, यहाँ से 9 आया, मैंने मिनी वैल्यू माइनस किया है तो मेरे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ओके, तो ये चीज़ बड़ी काम की चीज़ थी, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, क्यों यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यहीं पर क्वेश्चन को रोक देते हैं, यहाँ पर कॉस की वैल्यू डाल देते हैं, मैंने बोला मिनी वैल्यू डाल देते हैं, -1, -1, -1, तो वो 12 आंसर आया था, वो भी गलत होता है, कई कई तरीके से क्वेश्चन करते हैं, पर जो एक्चुअल वे है कि यहाँ के बाद इतना करने के बाद आपको इसको दोबारा से देखना पड़ेगा, इसी चीज़ को दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपके पास था कौन सा वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपके पास ये वाला है मोड ए पर मोड बी पर मोड सी, एक बार यहाँ आएगा, एक बार सेम ये वाला पार्ट एक बार इसमें तो आएगी, इधर क्वेश्चन का पार्ट है इसमें तो आया, एक इसमें आएगा, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है, एक तो गिवन थी, एक आपको सोचनी पड़ेगी, पर ये वाली चीज़ हम रेडीमेड आपको कई बार देते हैं कि ये चीज़ अगर आपको मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी का स्क्वायर जो है वो आपको पता है ग्रेटर इक्वल जीरो है, तो वहाँ से रेडीमेड आपको रिजल्ट दिया जाता है, अगर रिजल्ट आपको रेडीमेड जाता होता तो सीधा आप इससे इसको पुट कर देते आप, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एक क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से आता है, एक और क्वेश्चन भी ऐसा आने वाला है वो इससे सिंपल है, बिल्कुल निमसेट में एक और क्वेश्चन आएगा वो इससे कहीं सिंपल होगा, बट ये क्वेश्चन आप याद करो जो मर्जी करो, आपके क्वेश्चन बस लेके चलना साथ में अपने, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको तो पक्का ही करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये तो हमारा एक बेस्ट क्वेश्चन था। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट किया है, अब बाकी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके पास, थैंक यू स्टूडेंट्स।